बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग ऑफ सीआरटी। एक सीआरटी मॉनिटर जो है वो किस तरह काम करता है। सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मॉनिटर, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉनिटर। तकरीबन पिछले टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉनिटर था, आज का ज़्यादा एलसीडी यूज़ हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉनिटर जो था वो सीआरटी मॉनिटर था। और इसके जो वर्किंग का तरीका है, फ्रंट पे स्क्रीन है और इस पीछे वाले हिस्से को हम देख लेते हैं, इसको कहते हैं सीआरटी आर कैथोड रे ट्यूब। इसके बैक एंड पे एक डिवाइस होता है जिसका नाम है ये वाला इलेक्ट्रॉन गन। जब ये स्टार्ट हो जाता है, मॉनिटर ऑन हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन गन जो है ये स्क्रीन पे, इस स्क्रीन के पीछे वाले एंड पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फायर होता है। और असल में इलेक्ट्रॉन क्या है, ये पीछे मॉनिटर की तरफ से सिग्नल के फॉर्म में जो डेटा आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गन उसको इलेक्ट्रॉन की सूरत में स्क्रीन पे फायर करता है। ये स्क्रीन की तरफ जो ये पूरी एक रो है इलेक्ट्रॉन की जो फायर हो रही है, इसको कंट्रोल करने वाला यहाँ पे एक दूसरा डिवाइस है जिसको कहते हैं मैग्नेटिक योक या मैग्नेटिक कॉइल। इसका काम यह है कि ये इस जो इलेक्ट्रॉन गन की जो रे फायर हो रही है स्क्रीन की तरफ, तो इसको टॉप से बॉटम की तरफ कंट्रोल करता है एंड लेफ्ट से राइट की तरफ कंट्रोल करता है। ठीक है, ये जो फायर हो रही है किस तरह हो रही है, यहाँ पर अगर हम देख लें, ये लेफ्ट से लेके राइट की तरफ इस तरह जा रही है, जब यहाँ पे पहुँच जाती है तो थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे आके फिर दोबारा इस लाइन पे दोबारा फायरिंग शुरू हो जाती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और फिर थोड़ा सा डाउन होके फिर यहाँ नीचे आ जाती है और फिर लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ ये फायरिंग इलेक्ट्रॉन की स्क्रीन की पिछली जानब जारी रहती है, यहाँ तक के टॉप से लेके यहाँ बॉटम तक सारे स्क्रीन के मुख्तलिफ पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन की फायरिंग हो जाती है। स्क्रीन का ये जो पिछले वाला हिस्सा है, इसका जो बैक एंड वाला हिस्सा है, इस पे एक केमिकल की पेंट होती है जिसका नाम है पासफर। ठीक है, स्क्रीन का जो पिछले वाला हिस्सा है इस पे एक केमिकल की पेंटिंग होती है, एक केमिकल पेंट किया होता है जिसका नाम है पासफर। पासफर की सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन हिट हो जाता है, तो हिट होने से जिस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन हिट हो जाता है वहाँ पे एक किस्म की ग्लो पैदा हो जाती है। ठीक है, एक किस्म की चमक पैदा हो जाती है, ग्लो पैदा हो जाती है, और इस ग्लो की वजह से हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले जो है वो दिखाई देता है। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो इस ग्लो की वजह से है। और स्क्रीन पे अगर यहाँ पे मैं ये स्क्रीन का पिछले वाला हिस्सा रफ सा डायग्राम में बना लूँ, तो एक तो ये कि ये अगर आप इसको जूम कर दें तो आपको ये स्क्रीन का पिछले वाला हिस्सा इस तरह डॉट की फॉर्म में नज़र आएगा। ठीक है, ये डॉट असल में किसके होते हैं, ये पासफर डॉट्स होते हैं। ठीक है, और जब ये नॉर्मल हाथ में होता है तो हमें डॉट्स नज़र नहीं आता, यानी डॉट्स के दरमियान या डिस्टेंस हमें नज़र नहीं आता, और हमें यह पूरा सरफेस जो है पेंट किया हुआ नज़र आता है। और ये जो डॉट्स पेंट की होती है या डॉट्स की फॉर्म में पासवर्ड डॉट्स होते हैं, ये किस तरह होते हैं, ये इस तरह रो के फॉर्म में और इस तरह कॉलम के फॉर्म में। ठीक है, लेफ्ट टू राइट रो के फॉर्म में होते हैं एंड टॉप टू बॉटम ये कॉलम्स की फॉर्म में होते हैं इस तरह। और पूरा स्क्रीन इनसे ये बैक एंड पे पूरा स्क्रीन जो है यह इस तरह पूरी कोटिंग की होती है ये पासवर्ड डॉट्स की वजह से। ठीक है, और पासवर्ड डॉट के किसी भी सरफेस पे, किसी भी एरिया पे जब कोई इलेक्ट्रॉन आके हिट हो जाता है तो वहाँ पे ऐसी एक ग्लो पैदा हो जाती है ऐसी। ठीक है, हर एक पॉइंट पे यहाँ पे अगर हम देख ले तो हर एक पॉइंट पे ग्लो पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी ग्लो जो है लेफ्ट टू राइट सारे पिक्सल की फॉर्म में और टॉप टू बॉटम पिक्सल की फॉर्म में। तो जब ये पूरी ग्लो हो जाती है तो आप इस बैकग्राउंड को देख ले, इस तरह बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है और उस बैकग्राउंड पे फिर ऐसा
एक इमेज बन जाता है, तो फिर जो हमें फिर डिस्प्ले के फॉर्म में हमें मिलता है। तो ये सारी फॉर्म है, यहाँ पे मैंने डायग्रामी के लिए लिखी हुई है। इलेक्ट्रॉन गन शूट स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द स्क्रीन। इलेक्ट्रॉन गन का काम यह है कि पिछले जानब स्क्रीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की एक स्ट्रीम को, एक रो को, मुसलसल इलेक्ट्रॉन को फायर करना शुरू कर दे। मैग्नेटिक कॉइल गाइड द स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस एंड डाउन द स्क्रीन। ये मैग्नेटिक कॉइल जो है, इसके पीछे छोटा सा देखिए इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन इस यॉल्क या मैग्नेटिक कॉइल में से गुजर के आ गया है, ठीक है। तो ये कॉइल जो है यह लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम मूवमेंट करता रहता है, और यह क्या करता है, इस जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फायरिंग हो रही है इसके थ्रो को स्क्रीन पे कंट्रोल कर रहा है। पासवर्ड डॉट्स ऑन द बैक ऑफ द स्क्रीन ग्लो व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम हिट देम। पासवर्ड जो इलेक्ट्रॉन है, जो उसका डॉट है, वो ग्लो हो जाता है जब वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन हिट हो जाता है। और इसका तरीका है कि ये जो मूवमेंट इस रो को ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल किया जाता है वो किस तरह है। इलेक्ट्रॉन गन स्कैन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन जो गन जो है लेफ्ट से राइट की तरफ हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को फायर करता है। इलेक्ट्रॉन स्कैन का मतलब ये कि लेफ्ट से राइट की तरफ हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन गन जो है इलेक्ट्रॉन को फायर करता है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसी तरीके से टॉप से बॉटम की तरफ, यानी ये रो कंप्लीट हो जाए तो फिर ये नीचे आ जाएगा। इस रो को पूरे की पूरी लाइन को ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस लाइन में फायर कर देगा, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इस तरह, और इस तरह होते होते टॉप से लेके यहाँ बॉटम तक, या टॉप से लेके इस बॉटम तक सारे स्क्रीन पे ये इलेक्ट्रॉन्स को फायर कर देता है। रिफ्रेशिंग एवरी पासवर्ड डॉट इन ए zigzag पैटर्न, ठीक है। और हर जब यहाँ पे एक पहुँच जाता है इलेक्ट्रॉन गन, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फायर कर देता है, तो फिर ये दोबारा टॉप पे चले जाके इस पोजीशन से ये दोबारा शुरू हो जाता है और दोबारा इलेक्ट्रॉन को फायर करना स्क्रीन पे शुरू कर देता है। और ये प्रोसेस जो है यह मुसलसल जारी रहता है जब तक ये स्क्रीन जो है ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, उसके साथ ये मॉनिटर जो है ऑन होता है, और ये लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम पे इलेक्ट्रॉन की फायरिंग, ये जब तक ये मॉनिटर ऑन है इस पे बैक एंड से मुसलसल ये फायरिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन गन से ये मुसलसल कंटिन्यू होती है। और उस वक्त रुकेगी जब ये क्या होगा, स्क्रीन जो है ये ऑफ हो जाएगा। तो स्क्रीन ऑफ होने से जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन गन भी ऑफ हो जाएगा, वो भी काम को स्टॉप कर देगा और फिर इलेक्ट्रॉन को फायर नहीं करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन फायर नहीं होगा तो ग्लो पैदा नहीं होगी स्क्रीन पे। जब ग्लो पैदा नहीं होगी तो आपको स्क्रीन पे कोई डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जरा फ्रंट एंड से ये जरा और डायग्रामिकली वही तरीका है कि बैक एंड पे यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन गन है ये वाला, ठीक है, और ये फायरिंग कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे देख ले। ये जो आपको डॉट्स नजर आते हैं ये ब्लू टाइप की सूरत में, लाइट ब्लू में, ये सारे इलेक्ट्रॉन है बैक एंड से फायर हो रहे हैं। और यहाँ पे दो प्लेट्स, ये कि दो प्लेट्स लगे हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है। हॉरिजॉन्टल प्लेट का मतलब क्या कि हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है ये हॉरिजॉन्टली इस फ्लो को कंट्रोल करेगा स्क्रीन की तरफ, और दूसरा है वर्टिकल। ये वर्टिकल प्लेट जो है ये टॉप से बॉटम की तरफ इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो को कंट्रोल करेगा, और हॉरिजॉन्टल जो है ये लेफ्ट से राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो को स्क्रीन की तरफ कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले सीधी जा रही है, और एकदम जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है उसने इस फ्लो को यहाँ पे पेंग दिया है, यानी जाहिर बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फायर हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट फायर होने वाले इलेक्ट्रॉन है जिस पॉइंट पे वो ये है, ठीक है, और ये मुसलसल चेंज होती रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे फायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे फायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे, जब ये पूरी स्क्रीन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ये टॉप से जाके लेफ्ट टू राइट और बॉटम की तरफ ये क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन की फायरिंग जारी रहेगी।
यहाँ से लेके इस एरिया तक ये सारा एरिया जो स्क्रीन का बैक एंड पे है, ये एक किस्म का क्या है, स्पेस है, जो एक किस्म का खला है, स्पेस है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हिट हो रहा है, और ये भी देख ले कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन हिट हो गया है वहाँ पे ये देख ले कि एक किस्म की ग्लो पैदा हो रही है, लाइट पैदा हो रही है, ठीक है। और इस लाइट की वजह से स्क्रीन पे आपको लाइट देखने को मिलेगी, और इस लाइट की वजह से स्क्रीन पे डिस्प्ले बनता है और डिस्प्ले का बैकग्राउंड बनता है। तो ये थोड़ा सा होता इसका डायग्राम के लिए रिप्रेजेंटेशन था कि एक इलेक्ट्रॉन जो सीआरटी मॉनिटर है वो किस तरीके से काम करता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके बाद दूसरे स्लाइड पे जाएंगे और दूसरे टॉपिक को।